आएगा नहीं, आ गई है जी। अब मुन्ना की गर्लफ्रेंड आ चुकी है। अब मुन्ना सच बोल रहा है, मुनावर सच बोल रहा है या फिर आयशा खान? चलिए गाइस इस पर बात कर लेते हैं कि भैया दोनों में से सच कौन है, क्योंकि काफी सारे आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आप क्लियर करो। क्लियर को क्या मैं मतलब मैन के बीच दोस्ती मित्रता करवाने वाला था क्या? लेकिन जितनी जानकारी मैं इकट्ठी कर पाया ना वो मैं करके लेके आया हूँ और आपको बताता हूँ कि भैया आखिर सच कौन बोल रहा है। तो यहाँ पर गाइस क्या है कि जब मुनावर है वो लोकअप में थे ना, तब वो नजीला का जिक्र करते थे, हालांकि नाम नहीं बताया था। हालांकि उसने ये भी नहीं बताया था कि भैया गर्लफ्रेंड है क्या है, क्योंकि सभी लोग मानते थे इसकी जो वाइफ है ना वही हो सकती है ना। तब कहीं ना कहीं जैसे ही मुन्ना बाहर आए तो एक कहीं ना कहीं पार्टी करते हैं जीतने की खुशी में, नजीला को साथ में रखते हैं, उसके साथ वीडियो सॉन्ग में वो आती है। क्लियर हो गया कि भैया ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो खुद भी बताते हैं नाजीला मेरी गर्लफ्रेंड है। लोग हैरान हुए थे, अरे भैया इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड मुन्ना की है ना। तब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सपोर्ट करते हैं, तब सबको मालूम हो चुका था नाजीला उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद गाइस हमने कभी भी आयशा का नाम तक ही नहीं सुना। आपने कभी सुना हो तो आप बताओ। मुनावर के मुंह से कभी नाम नहीं सुना, ना हमने उसके साथ बाहर कभी इसकी फोटो देखी है ना। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें होती रही है नजीला के साथ, नजीला ने मुनावर को फॉलो नहीं कर रखा था, चलो उसका पर्सनल रीजन होगा। लेकिन अब गाइज अब की बात करते हैं कि अब क्या हुआ है। अब देखो आयशा आकर बोल रही है कि भैया ये मुझे झूठ बोल के आया है, मुझे शादी का झांसा देकर आया है, और घर में जाकर बोल रहा है कि मेरी तो कहीं ना कहीं जो गर्लफ्रेंड है वो तो नजीला है, मैं तो उसके साथ कमिटेड हूँ, जबकि ऐसा कुछ बाहर था ही नहीं। बाहर मुझे बोल के गया है कि भैया मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है, तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं मन करता है तुमसे शादी कर लूं। अरे चलो इसको कॉम्प्लीमेंट भी अगर हम अगर सोचे कि यार कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, दोस्ती में कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं कि यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लेता, ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। लेकिन यहां पर आयशा ने बोला नहीं भैया ऐसा नहीं है, उसने नजीला से भी बात की। अब यहां पर गाइस क्या गेम हो चुका है मैं बताऊं, नजीला और आयशा एक साथ मिल चुकी है। मतलब ये दोनों चाहती हैं कि भैया गेम बजाना है मुन्ना का, और ऐसे में नजीला तो बाहर है लेकिन आयशा की एंट्री हो चुकी है। अब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आयशा झूठ बोल रही है, बिग बॉस में जाने के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है मुनावर के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं नजीला को जब आयशा बात करती है नजीला के साथ, तो नजीला को आयशा ने कुछ चीज़ें दिखाई है। इसके बाद नजीला कुछ पोस्ट भी डालती है और बोलती भी है कि भैया एक बॉयफ्रेंड की दो दो गर्लफ्रेंड, और नीचे कमेंट आता है यहाँ पर आयशा बोलती है कि इतना भी सच नहीं बोलना था नजीला। तो यहाँ पर लग रहा है कि भैया ये दोनों प्लान कर रखी है, बाहर इन दोनों ने प्लान कर रखा है। लेकिन यहाँ पर गाइस चीज़ें क्लियर हो जाती है जब मुनावर बोलता है कि नजीला मेरी गर्लफ्रेंड है, तो नजीला तो भैया आयशा के साथ मिली हुई है। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती है कि आयशा ने काफ़ी चीज़ें दिखाई है नजीला को, और नजीला है वो ये चीज़ मान चुकी है कि इस बंदे ने धोखा दिया है। इसके बाद वो पोस्ट भी डालती है कि जो बाहर से दिखता है फैन फॉलोइंग जिसको फॉलो करती है, बाहर से आपको बड़ा इनोसेंट और अच्छा आदमी दिख रहा होगा, लेकिन अंदर क्या है, दिल में क्या है, वो अभी वो सामने लाना नहीं चाहता। और ऐसे में आयशा की इसी बात पे एंट्री करवाई गई है। अब आयशा है उसका 50% सच दिख रहा है, ठीक है। मुनावर झूठ बोल रहा सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी साइड हमने अभी तक नहीं देखी है ना। उसने इस चीज पर कोई भी बात नहीं की और ना ही इसको क्लियर किया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, और ना कभी उसने बाहर ये चीजें की है। अब जब सामने जाएगी तब वो बातें क्लियर करता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो अब एकदम से इसको नकार नहीं देना चाहिए कि भैया आयशा झूठ बोल रही है, अगर एंट्री करवाई गई है तो इसके पीछे बड़ा सच है। लेकिन यहां पर गाइस बात आती है कि भैया ये क्या है, मतलब ये सब देखने के लिए हम आपको देखते हैं क्या, बिग बॉस देखते हैं क्या? अब काफी सारी चीजें ऐसी हो रही है कि मुझे लगता है कि यार दे दो यार, जिसको ट्रॉफी देनी है दे दो, ठीक है, तो मुनावर को दे दो, जिसको मर्जी देनी है दे दो, लेकिन यार किसी की पर्सनल लाइफ को इतना खराब मत करो यार कि उसके एक्स को सामने लाकर रख दो, उसमें प्रोजेक्ट में जो चल रहा है वो चीजें उजागर कर दो, उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट करो जैसे ईशा के साथ हुआ है। वो अभी तक उसको छेड़ा जाएगा, बाहर आएगी तभी भी छेड़ा जाएगा। तो ये चीजें करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, और ना ही ये इंटरटेनमेंट है। मेकर अपनी टीआरपी के लिए ये सब चीजें करते हैं जो कि एंटरटेनमेंट में नहीं आती। हाँ लोगों को मजा जरूर आता है कि भैया अब आएगा मजा, अब देखना होगा, लेकिन ये मजेदार चीजें नहीं है गाइस। किसी की मतलब पर्सनल लाइफ को ऐसे एक्सपोज करके रख लेना, हाँ आप गेम में आए हो, गेम में जो चीजें कर रहे हो वो करो, लेकिन बाहर की चीजें फिर घर में आ जाती है, फिर वही चलेगी। और मेकर्स को तो भैया कंटेंट मिलेगा, टीआरपी आएगी, वो तो मजे लेंगे, लेकिन ये चीजें गलत है मेरे हिसाब से। आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अब बात करते हैं कि क्या कौन सच बोल रहा है। तो यहां आयशा
50% सच बोल रही है, क्योंकि उसके साथ नाजीला भी है। नाजीला ने बोला हाँ भैया तुम जाओ वहां पर उसको एक्सपोज करो, ठीक है। अब अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं अब आयशा अंदर चली गई है, अब मुनावर अपना पक्ष रखेगा, अपनी साइड रखेगा, या फिर वो इग्नोर करेगा, रिएक्शन उसका क्या आएगा, वहां से चीजें क्लियर होगी कि भैया बाकी का 50% सच है या झूठ है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपके हिसाब से क्या लगता है, लेकिन हम आपको पहले अपडेट देंगे जो भी चीजें निकल के सामने आएगी सेट से, तो हमें फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर लें।